की सनसनी हम सनसनी बाबा है बेटा, और इस दुनिया की कोई भी चीज ऐसी नहीं जो हमें मालूम नहीं। अच्छा, कौन सा स्टेशन गया? सिर्फ ये हमें मालूम नहीं, क्योंकि हम सिग्नल पर चढ़े थे बेटा। बेटा कोई सपना देख रहे थे? हाँ। तुम्हारे सपनों में रोड़ा डालने वाले तुम्हारे अपने ही है। हाँ। बेटा अपने तो अपने होते हैं, लेकिन सपने तो सपने ही होते हैं बेटा। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि की तुम पर महादशा चल रही है बेटा। अगर तुम मुझे 5,000 दोगे तो मैं तुम्हारा होम करूँगा। आजकल स्क्वायर फीट का भाव 5,000 रुपए चल रहा है, फिर तुम मुझे 5,000 में होम कैसे दिलाओगे? बेटा अंग्रेजी वाला होम नहीं, हिंदी वाला होम। ओम शांति ओम। मेरे पास 5,000 रुपए नहीं है। 5,000 रुपया नहीं है? कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे 2,000 दे दो, मैं शनि को खाना खिला दूंगा। 2,000 भी नहीं है? 2,000 भी नहीं है? कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे 200 दे दो, मैं शनि को चाय ही पिला दूंगा। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है बाबा। अरे 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 रोना मत बेटा, फूटी कौड़ी नहीं है कोई बात नहीं, तुम चैन से सो जाओ, शनि तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। नेक्स्ट, ओम शांति ओम। पैसे तो है मेरे पास, लेकिन ऐसे आबा धाबा को देने के लिए थोड़ी ना है। मेरे सपनों के बीच रोड़ा डालने वाले मेरे अपने ही हैं। हुकुम पधार रहे हैं, हुकुम पधार रहे हैं, हुकुम पधार रहे हैं, हुकुम पधार रहे हैं। रणछोड़ वंश की निशानी है मुझे, और तुमने युवराज अपनी मुछे काट कर हमारे वंश की नाक कटवा दी। मैंने तो सिर्फ मूछ काटी थी जो नाक के नीचे थे दादाजी। ऊपर देखो युवराज, हमारे तीसरे महाराज धनराज, इनकी मुछे इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी कि अपने विवाह के समय इन्हें खुद मुंह दिखाई की रस्म करनी पड़ी थी। और वो देखो हमारे चौथे महाराज महाराज बलराज, इनकी मूछ कहां खत्म होती थी और दाढ़ी कहां शुरू होती थी ये कोई नहीं बता सकता था। ये तो चाय भी स्ट्रॉ से पीते थे। अगर चाय भी स्ट्रॉ से पीते थे तो भोजन कैसे करते थे? ये भोजन नहीं करते थे, इसीलिए सब कुछ होते हुए भी ये बेचारे भूख से मर गए। और ये है तुम्हारे परदादा, इनका नाम बताओ। ये धनराज, ये बलराज और ये
यमराज। यमराज नहीं बदतमीज, इनका नाम है धर्मराज। ओ, ये बहुत बड़े आदमी थे, बहुत ही बड़े आदमी थे। बेचारे बचपन में ही गुजर गए। दादाजी, अगर ये बचपन में ही गुजर गए तो आप कैसे पैदा हुए? इनके बचपन में नहीं बेवकूफ, मेरे बचपन में गुजर गए। ओके, चिल। इनकी मूछ बढ़ाने की इच्छा पूरी नहीं हुई तो मैंने डिसाइड किया कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर, सबसे लंबी मूछ उगाऊंगा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूछ। और युवराज, अब हम चाहते हैं कि तुम हमारा रिकॉर्ड तोड़ो। मैंने आपके सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए दादाजी। क्या मतलब? वही आपके पुराने वाले रिकॉर्ड। क्या था वो गाना? एक बंगला बने न्यारा। तुमने मरहूम सैगल साहब के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए? हाँ, आजकल तो यो पानी सिंह का जमाना है। मुछो को थोड़ा राउंड घुमा के, अन्ना के जैसा चश्मा लगा के, लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस। तुम्हारे माता पिता हवाई जहाज दुर्घटना में भगवान को प्यारे हो गए, अब वो सितारा बनकर आसमान में ये सोच रहे होंगे कि हमारी संतान धरती पर हमारा किस तरह नाम रोशन कर रही है। मैं क्यों अपना नाम रोशन करूंगा, वो तो ऋतिक करेगा। मैं तो अपना नाम फिल्म स्टार युवराज रणछोड़ रखूंगा। हमारे वंश में आज तक कोई फिल्मों में नहीं गया। तो मुझे जाने दीजिए दादाजी। इसका फैसला तुम नहीं करोगे। तो कौन करेगा? कौन? कौन? माँ की आँख, माँ की आँख की है। एक फूल माँ की दाई ओर और दूसरा फूल माँ की बाई ओर। बाएं का मतलब हाँ, दाएं का मतलब ना। जिस ओर से फूल गिरेगा वही माँ का आदेश होगा। रखिए। हाँ, माँ ने अपना फैसला सुना दिया है, तुम फिल्मों में काम नहीं करोगे। हुकुम, हमें माँ कात्यायनी के दर्शन के लिए जाना है और आपको मौन व्रत भी रखना है, वो भी कल सुबह तक। तभी तो माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हम मौन व्रत अवश्य रखेंगे। देवी माँ के आशीर्वाद से कोर्ट का फैसला हमारे हक में ही होगा। दादाजी तो कात्यायनी देवी के दर्शन करने गए, लेकिन ये बादल अभी तक क्यों नहीं आया? ये कौन सी देवियों के दर्शन कर रहा है? One more, one more, okay। कहाँ कहाँ भी गरीब है साहब। बादल, अरे यार, तू मेरा फोटो शूट करने आया कि इनका? अरे युवराज जी, आपका फोटो सेशन ही नहीं बल्कि आज आपका म्यूजिक एल्बम भी बनेगा। और आप छोटे मोटे स्टार नहीं हो, आप सुपर स्टार हो, सुपर स्टार। Twinkle, twinkle, little star, little star, little star, मैं तो बन गया superstar, 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 वो एकड़ बकड़ बंदे हो, बंदे हो, बंदे हो, हर फिल्म हिट हो, हिट हो, हिट हो, हर लाखों मेरे फैन हैं, ब्लॉकबस्टर शान है, तेरा जादू सब पे छा गया, के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया, के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया, के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया, के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया।
के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया, के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया, के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया, के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया। चुलबुल सा मेरा बड़ी मुन्ना भाई सा सिंगम, मैं करूँ वो फैशन होता चाहे चबाऊँ चिंगम, में दिखता है मैं जो ऐड करूं प्रोडक्ट वो महंगे में बिकता है। मरने लगी है मुझ पे गुड़िया, के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया, के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया, के मरने लगी है मुझ पे गुड़िया। हाँ बादल बोल। हाँ युवराज जी, कहाँ तक पहुँचे? बस कुछ ही देर में मुंबई पहुँचने वाला हूँ। अरे क्या कर रहे हो? टैक्सी चला रहा हूँ भाई, दिख नहीं रहा क्या? कमाल की फितरत होती है इंसान की, देखता है फिर भी पूछता क्या कर रहा। खाना खाने लगो तो पूछेंगे खाना खा रहे हो? नहीं भैया, मुंह में निवाला ढकेल रहे, अंदर बैंक है निवालो। मेरे बोलने का मतलब है अब गाड़ी इतनी तेज चला रहे हो, हमारा एक्सीडेंट हो गया तो? अरे देखो बेटा, जब मरना लिखा होगा ना तो कोई फूल फेंक देगा तो मर जाओगे। क्या? और क्या, अभी मैं आगे से गाड़ी ठोक दूँ तो कौन मरेगा? मैं मरूंगा। हा? पीछे से कोई गाड़ी आके ठोक दे तो कौन मरेगा? मैं। ऊपर से अगर एक कंटेनर आकर के गिर जाए हमारे ऊपर तो कौन मरेगा? हम दोनों। फिर आप हमेशा मरने मराने की बातें क्यों करते हो? मैं एक और काम करता हूँ, बताऊँ? क्या कर रहे हो? LIC भी करता हूँ, LIC। एक चीज बताओ, एग्जैक्टली जाना कहाँ है तुमको? रामलीला फैंसी ड्रेस वाले के यहाँ। अरे उनका तो मैंने इंश्योरेंस किया हुआ दोनों का, राम लीला। अच्छा भाई गॉड, अब तो कहीं भी जाके डूब के मर जाए, समुंदर में मर जाए साले, उनको क्या पड़ी है? दूर तक फैला हुआ समंदर ही समंदर, और समंदर के बीच में क्रूज पे हम दोनों, रोमांटिक मूड में, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मेरी जुल्फे उड़ रही है, और ऐसे रोमांटिक माहौल में हम दोनों अपना हनीमून मनाएंगे। यही कहा था ना तुमने, गोराई बीच के बीच में, शादी के पहले जब तुमने मेरा चुम्मा लिया था। तो रोज रोज वही सीन क्यों याद दिलाती हो? अरे याद क्यों ना दिलाऊं, झूठे वादे जो किए थे, क्रूज पे ले जाऊंगा। अरे क्रूज क्या, सांता क्रूज नहीं ले गए और यहाँ ले आए नकली क्रूज पे। सुन रहे हो ना, सारे मर्द होते ही है ऐसे, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अरे लेके जाएंगे ना। अरे ये कौन है कबाब में हड्डी? मेरे ख्याल से आप लीला दीदी है। हाँ, मगर तुम कौन? मैं युवराज, बादल का दोस्त। हाँ, आइए आइए, मुझे बादल ने फोन करके आपके बारे में बताया था। बैठिए बैठिए। नमस्ते। नमस्ते। अब मैंने आपसे नहीं कहा था, बादल के दोस्त युवराज जी आने वाले हैं। ये वही है दीदी, आप मुझे जी भी मत कहिए, आप मेरी दीदी जैसी है और ये जैसे जीजा जी। अब तो हीरो बनाना आपके हाथ में। नहीं, आप इंडस्ट्री में बहुत जान पहचान है अपनी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, और सुनो जगह जगह ऑडिशन के लिए भेजूंगा, और जहाँ भी जाना मेरा नाम मत लेना। वैसे आप यहीं पे रहने वाले हो ना? नहीं दीदी, मैं चाहता हूँ कोई फ्लैट रेंट पे मिल जाए तो अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, यहाँ पे हसमुख भाई रॉयल सोसाइटी में रहते हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, प्रॉपर्टी एजेंट का काम करते हैं, और सुनिए वास्तु विशारद भी हैं। एक नंबर से मार खा गया, एक नंबर से नसीब वाले फांदड़ू। हे भगवान, तुझे मेरा नसीब बनाने के लिए ऊपर से नीचे आना पड़ेगा, देखना। हाय,
अरे भगवान, मैंने तो तुम्हें याद किया था, ये माता कहाँ से आ गई? काली माता? हाय, आई एम मार्था। माता, जय माता दी। नो 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 माता, आई एम मार्था, मैं नाइजीरिया से आया है। आया है? बैठिए ना, बैठे बैठे। ओके, थैंक यू। आपको हिंदी सही तरीके से नहीं आती लगता है? ओह, थोड़ा थोड़ा आता है। आता है? मैंने बहुत सारी हिंदी फिल्में देखी हैं, जैसे कि काला सोना, काला पत्थर, काले चरण। काली चरण? yeah. अरे वाह, इसलिए आपके चरण भी काले हैं। यहाँ क्यों डाले? एक मिनट, मैं समझ गया। मेरे यहाँ इंसल्ट पब्लिक में होता है तभी आता है। ये 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 देखिए, ये पीली किताब लीजिए। ये पीली किताब से आपका नसीब बिल्कुल चमक जाएगा, सोने की तरह चमकेगा। टोनी मैन, मैं तो आपका नसीब चमकाने आया हूँ। मेरा नसीब? तुमने डीसीजी ट्रिपल मनी स्कीम के बारे में सुना है? सुना है, एक का ट्रिपल होता है, सुना है? ओ या, मैं डीसीजी ड्रीम्स कम ट्रू के सीईओ हूँ। नहीं, मैं क्या है ऐसा, मैं ये मुख सामुद्रिक शास्त्र जानता हूँ। ये अपने मुंह पे जो ऐसे सब चिन्ह होते हैं वो देख रहा हूँ, उससे भविष्य पता चलता है, इसलिए। अच्छा है, ऑफ लैंग्वेज है, सामुद्रिक लैंग्वेज है ये। एनीवेज, वैसे हमारे ऑफिसर्स तो और जगह पर भी हैं जी, लेकिन ये सेंट्रल प्लेस पड़ता है, इसलिए हम अपना ऑफिस इधर खोलना चाहता हूँ। लेकिन ये तो मेरी ऑफिस है मैडम। हम तुमको ट्रिपल भाड़ा देगा, ट्रिपल चलेगा? इसका मुझे ट्रिपल भाड़ा देंगे आप? मतलब चलेगा। हम वो ट्रिपल भाड़ा अगर अपने स्कीम में लगाएं और तुमको ट्रिपल मनी दें तो तुम्हें चलेगा? एक बेतरान चलेगा 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 चलेगा। ओह, वेरी इंटेलिजेंट मैन। ओके, और अगर तुम इस स्कीम में और लोगों के भी पैसे लगवाओगे तो हम तुमको 10% देगा, चलेगा? ओहो हो 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 हो, माता जी, मेरा नसीब जरूर चमकेगा माता जी। यस, जरूर चमकेगा। इधर पैसा झाला, उधर लाए चिंगलाल। भैया, फिल्म सिटी चलोगे? कहाँ फिल्म सिटी, कहाँ? अरे क्या कर रहा हूँ, भाग मत, भाग मत। अरे भाई, तू कस्टमर है मेरा, आना, बैठ 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 बैठ, डराऊंगा नहीं, आज बैठ जा। पक्का? डरता रहता है पैसे खर्च करके। और बाबू, फिल्म सिटी क्यों जा रहे हो? हीरो हीरोइन ताल दे। फिल्म ऑडिशन के लिए जा रहा हूँ, मूड अच्छा रखना चाहता हूँ। मतलब बम्बई जो है हीरो बनने आए हो? क्यों, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? नहीं नहीं भाई, तकलीफ नहीं हो रही। तकलीफ क्यों होगी, बनो बनो बनो, हीरो बनो। अमिताभ बच्चन बन रहा, तुम वो भी हीरो बनने आए थे, बन गए। चलो तुम्हारे लिए गाना लगा दे। अब गाना लगा दिया, अब क्या करूं, नाचू? नहीं 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 नहीं, नाचने को कौन कह रहा है भाई। अनुषा आएगी अभी, बोलेगी अभी एफएम पर, सुनना कितना अच्छा बोलती है। हर सुबह एक नई महक लाती है, हवा के साथ साथ जुल्फे उड़ाती है, गुंजन सुरीले गाने कानों तक पहुंच जाते हैं, दिल में उतर कर होंठ गुनगुनाते हैं। आपका साथ मिलने से खुशनुमा फिजा है, आपसे गुड मॉर्निंग कहने का एक अलग ही मजा है। अरे कमाल यार, आप तो इसकी भी आवाज़ निकाल लेते हो। मैं बहुतों की आवाज़ निकाल लेता हूँ, तू सुनना उसे। मक्की भरा है पैशन, कलरफुल कॉम्बिनेशन, अपना ये डेफिनेशन यार, जैसी भी हो सिचुएशन, एवरीडे सेलिब्रेशन, दिल में बजता रहता गिटार। उड़ उड़ के मुड़ जाऊंगी, हर पल से जुड़ जाऊंगी, उड़ उड़ के मुड़ जाऊंगी, हर पल से जुड़ जाऊंगी, मस्ता चस्ता लाइफ का मैं खुल के करूं एंजॉय एंजॉय एंजॉय। Butterfly, 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 butterfly.
स्वागत करती हूँ। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड कहा जाता है, लेकिन जमाने के साथ साथ प्यार करने का अंदाज बदल गया है। पहले दिल को मंदिर कहा जाता था, आजकल बदतमीज दिल कहते हैं, लेकिन दिल तो आखिर दिल है। मुझे बात करने के लिए कॉल कीजिए 252566 पर, तब तक ये गीत सुने। और हीरो साहब कैसा लगा? सचमुच इसकी बातों में गहराई है और आवाज में अपनापन। आज का दिन अपनी वैलेंटाइन के साथ बिताने का दिन है, लेकिन अगर आपकी वैलेंटाइन नहीं है तो डोंट वरी, जल्दी मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे कैसे, और अगर आपकी वैलेंटाइन मिल भी गई तो आप उसे पहचानेंगे कैसे? जिसे देखते ही बार बार देखने का मन करे, ठंडी हवा चलने लगे और आपके दिमाग की घंटी बजने लगे, तो समझ लीजिए वही आपकी वैलेंटाइन है। भैया हमें तो सुनाई दे गई आवाज तुन से। मुझे भी सुनाई दे गई। अच्छा हाँ, लगता है आसी पास है अपनी वैलेंटाइन। वैलेंटाइन तो सूखा खा रही है बे। हे भगवान, सारी दुनिया का कल्याण और शुरुआत मुझसे कर भगवान। हे राम हे राम हे राम हे राम राम। लेकिन ये कलर है मेरे पास। हाँ ये कलर नहीं है। ये तो मेरी टी शर्ट है। हेलो हेलो, उठा उठा उठा, ये देखो। क्या कर क्या रहे हो तुम? फोन देख रहा हूँ, फोन बज रहा, घंटी नहीं सुनाई दे रही तुम्हें? तुम्हारा फोन मेरी जींस में रहेगा। हेलो। हाँ राम। हाँ श्याम। अरे हसमुख भाई बोल रहा हूँ, भाई कैसे हो? बोलो हसमुख भाई, अच्छा हूँ। क्या कर रहे हो? साड़ी पहन रहा हूँ। साड़ी पहन रहे हो? हाँ। अरे अरे अरे, कैसे कैसे शौक होते लोगों को। अरे साड़ी छोड़ यहाँ। हे राम हे राम, देख मार्केट में एक फर्स्ट क्लास स्कीम आई है, इसलिए तुझे फोन किया है। अरे बहुत कमाल की स्कीम है। का नाम है DCT, ड्रीम कम ट्रू। कर लो सपनों को साकार, एक का तीन गुना मिलता है। क्या बात कर रहे हो? अरे भाई देख, लक्ष्मी एक ही बार टीका करने आती है और बार बार नहीं आती, और 30,000 लगाएगा ने 90,000 घर पे लेके जाएगा। यानी सीधा तीन गुना, 3,00,000 लगाओ 9,00,000। क्रूज पे जाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, हनीमून मनाओ। हेलो 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 हसमुख भाई, अगर मेरे पैसे डूब गए तो बीबी मुझे समुद्र में डुबो देगी। अब तुम्हें तो मालूम है मैं क्रूज पे हनीमून मनाने का वादा करके ऐसा फंसा हूँ कि आज तक भुगत रहा हूँ। अरे मैंने खुद लगाया भाई। और तू दोस्त है इसलिए बोला तेरे को, फिर बाद में बोलना नहीं है कि मैंने बोला नहीं है तुमको। अभी भी फोन पे लगे हुए हो? किसी और के लिए भी साड़ी सिलेक्ट करनी है क्या? लगाओ 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 लगाओ। कितना लगाओ बोल? 30,000। बस इतना ही? ठीक है चल, अभी तू भी अजमा ले, 90 लेके जा। मैं फोन करता हूँ, लगाओ। बहन जी ये वाली देखिए।
बहुत जच रहा है। तुम्हारी चॉइस कितनी अच्छी है। ये मेरी नहीं किसी और की चॉइस है। किसकी? उसका नाम तो मुझे नहीं पता। तो फिर कौन था वो? I don't know. Come on. मैं आऊं? Ready? मैं आऊं? Ready? बुरी बात बेटा, ऐसा नहीं करते। तुम लड़कों ने लड़की देखी नहीं कि फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। अनुषा, तुम इन लड़कों को नहीं जानते। ये लोग मॉल में लड़की पटाने के लिए आते हैं, तुम्हें पता है? बुरी बात अंकल, ऐसा नहीं करते। अबे छोटू, मैंने क्या किया? पर मैंने किया, वो देखो। वैसे तुझे पता है, गलती सारी मेरी है। तू क्यों उसकी तरफदारी कर रही है? क्योंकि ये जो ड्रेस पहना है ना मैंने, ये उसी की चॉइस है। अच्छा, तो वो डेफिनेटली फ्लर्ट है। लेकिन तू ऐसा कैसे कह सकती है यार? अरे ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। 7 बॉयफ्रेंड्स के साथ मेरा ऐसे ही ब्रेकअप नहीं हुआ। अब देखना, वो तुम्हारे पीछे आएगा। वो मेरे पीछे आ रहा है। देखा मेरा एक्सपीरियंस? अब वो तुम्हें किसी ऐसी गंदी जगह पे नजर लगा है। वो नजर डाल रहा है। देखा? अब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो वहाँ पे गंदी नजर डालेगा और तुम्हें टच करने की कोशिश करेगा। क्या कह रही है? मेरा एक्सपीरियंस कहता है, यू नो? वो नजदीक आ रहा है, जल्दी पता क्या करूं? अरे बजा दे उसको। हाँ, सोच क्या रही है, कौन के नीचे बजा दे उसको एक। तुमने तो सचमुच का बजा दिया। तूने ही तो बोला था। पर और तुम क्यों हंस रहे हो? आपके पीछे देखो। ये किसने लगाया? मैंने। भैया तो सिर्फ निकालने जा रहे थे और आपने उन्हें चाटा मारा। मम्मी सही कहती है, भलाई का जमाना राय नहीं। सिक्सटीज और सेवेंटीज के जो हीरो हीरोइन थे वो पेड़ के आगे पीछे गाना गाते थे, लेकिन आजकल के हमारे हीरो हीरोइन ऐसा नहीं कर सकते। पूछिए क्यों? क्योंकि पेड़ बचे ही नहीं हैं। पेड़ कम होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। अब कौन पेड़ लगाएगा, कौन पेड़ों को पानी देगा, इस बात पर चर्चा करने के लिए हम बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो, आपका नाम? युवराज। युवराज सिंह तो नहीं? नहीं नहीं, युवराज राठौड़। तो कहिए युवराज, क्या कहना है आपका पेड़ों के बारे में? पेड़ तो लगाने चाहिए, जहाँ खाली जगह दिखे वहीं पेड़ लगाने चाहिए। अच्छा अनुषा जी, आपने वैलेंटाइन डे स्पेशल पे बताया था अगर आपको आपकी वैलेंटाइन मिल जाए तो दिमाग में घंटी बजेगी। तो बजी घंटी? हाँ बजी। फिर क्या हुआ? कान के नीचे बजी। यानी कि आपका सिलसिला आगे नहीं बढ़ा। बट मिस्टर युवराज, डोंट वरी, अगर आप सच्चे प्रेमी हैं तो आपको आपकी वैलेंटाइन दोबारा जरूर मिलेंगे। मुझसे बात करने के लिए कॉल कीजिए 252566 पर। तब तक एंजॉय कीजिए अकेला हूँ फिल्म का ये गीत। अकेला हूँ, अकेला था, अकेला ही तुम। जी, परी सुबह से जिद कर रही थी कि मूछ वाले अंकल के घर जाना है, अंकल के घर जाना है, तो मैं उसे आपके घर ले आई। मैं तो इसके खिलौना लाने के चक्कर में लेट हो गया, मतलब बहुत दुकान ढूंढा, लेकिन पता नहीं इसको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। बहुत प्यारी गुड़िया है, है ना? एकदम इसकी तरह लग रही थी। और ये रख लीजिए। अरे ये क्या है? पैसे हैं। माफ कीजिएगा, मैं चाहता था कि परी इंग्लिश स्कूल में पढ़े। तो परी बहुत ज्यादा पैसे हैं। नहीं 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 नहीं, मेरे पास बाय चांस आ गई है,
एक सवारी बैठी थी, अंग्रेजनी थी, कोई स्कीम बता रही थी तो यकीन हो गया, काली सी थी। अरे मैडम एक डिसाइड कर लीजिए ना, राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट, मतलब जाना कहाँ है बता देंगी। आई गो टू ईश्वर। यू डोंट नो अंग्रेजी? अरे अंग्रेजी जान रहे होते तो गाड़ी थोड़ी चला रहे होते, देश चला रहे होते देश। यू देसी मैन, मुझे ईश्वर के पास जाना है। किसके पास? ईश्वर के पास। तो मैडम जी मेरी गाड़ी में क्यों बैठी है? आकर के आगे खड़े हो जाइए, एक मिनट में ईश्वर के पास पहुंचा देंगे। लेकिन एक बात याद रखिए। माय गॉड, मुझे उस ईश्वर के पास नहीं जाना है, मुझे एमजी रोड कामी वाले ईश्वर के पास जाना है, यू अंडरस्टैंड? तो बोलो ना एमजी रोड जाना है भाई। हॉरिबल, फोन बजा। हेलो 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 ईश्वर, या आप कमिंग? किसी जगह पर साउंड से लाइन मिलते हैं, ओके? एक बात कहें, बुरा मत मानिए, आप DCT में पैसा लगा रही? ओह नो, मैं DCT की CEO हूँ। ओह, सिर्फ ओह नहीं, CEO भी साथ में है, CEO। हाँ, वही वही वही, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। या बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत सारे लोगों को मैंने अपने हैंड से पैसा दिया है। ईश्वर केवल बड़ा पुण्य का काम करती हैं, लोगों के सपने साकार करती हैं। मैंने उसे 20,000 दिए, उसने मुझे 60,000 वापस कर दिए। मैंने सोचा ये 20,000 परी के लिए और 40,000 मैं वापस काली मैया को दे दिए। 40 का कितना हो जाएगा? 20 का 1,20,000। अब क्या है? मैं भी इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। हाय, आई एम युवराज। युवराज, ये नाम कुछ सुना सुना सा लगता है। सुना सुना सा क्या मतलब? अच्छा नाम है। सुना सुना नहीं, सुना हुआ सा लगता है। आपकी भी आवाज सुनी सुनी सी लगती है। आप RJ अनुषा का प्रोग्राम सुनती हैं क्या? देखो, मैं ऐसे आलतू फालतू के प्रोग्राम नहीं सुनती हूँ। आलतू फालतू प्रोग्राम नहीं है, अच्छा प्रोग्राम है, सुना कीजिए। वैसे करते क्या हो? फिल्मों में ट्राई कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, वैसे आपने बताया नहीं कि आप करती क्या है। थप्पड़ मारती हूँ। हाँ? अच्छा, तो वो थप्पड़ वाला लड़का तेरी सोसाइटी में रहता है? हाँ, और मजे की बात पता है क्या है कि वो RJ अनुषा यानी कि मुझसे ही मुझे पटाने के टिप्स मांगता है। क्या बोल रही हूँ? ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, बट यू नो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि वो तुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा। हाँ, और इसीलिए RJ अनुषा ने उससे कहा है कि अपने प्यार का इजहार करने में देर मत करना, सीधे जाके उसे अपने दिल की बात बता देना। You're so fun, man. हेलो हेलो हेलो, हाँ तुम साड़ी में बहुत सुंदर लगती हो। ये क्या है दातुन? अरे मुंडी किधर है इसकी? हाँ, फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है, चाय कॉफी की भी कोई जरूरत नहीं है। जो बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसकी मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, शायद ही तुम्हारे सामने कह पाऊँ। हाँ बोलने दीजिए, इसलिए रिकॉर्ड करके लाया हूँ। जब से तुम्हें देखा है दिमाग में घंटी बजती है,
लेकिन रात में सोने जाता हूँ तो दिमाग में घंटा बजता है। हाल तो ये है कि किचन में नहाता हूँ और बाथरूम में खाना बनाता हूँ। तुम्हारे ख्यालों में खो जाता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। आई लव यू। कुछ रिएक्शन देने से पहले मेरे ऑप्शंस भी सुन लेना। अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो हंस देना, अगर इनकार है तो गेट आउट कर देना। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, युवराज तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार खिड़की से झांक के देखा है। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे ऐसे प्रपोज हाँ करोगे, ये मालूम नहीं था। अरे तुम्हारा तो अजब प्रेम की गजब कहानी की तरह हो रहा है। तुम एक्साइट होते तो हकलाती हो क्या? नहीं, वो क्या है कि मैं बचपन से हकलाती हूँ। लेकिन तुम तो हकलाती नहीं। वो मेरी जुड़वा बहन अनु है और मैं मनु हूँ। क्या? हाँ, आए लो लो, शाम हो जाएगी। आएगा आएगा, लव यू। नहीं मेरा गधा दे देना। हाँ तो ऐसा बोलना। एकदम ओरिजिनल अवतार तो तुम ही लग रहे हो कलयुग में। तुम रेडी हो? हाँ। द्रौपदी कहाँ है? वो दुर्योधन के साथ बैठी है। अच्छा तुम सेट पे चलो, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। तुम्हारा ये राम कहाँ है? यहाँ रामायण की नहीं, महाभारत की शूटिंग चल रही है। अरे यार, मेरा मतलब राम यादव, मेकअप आर्टिस्ट। वो वहाँ है। अरे राम। हाँ। अरे युवराज, कैसी चल रही ऑडिशन? अरे ऑडिशन छोड़। हाँ। ऑडिशन तो ठीक ही चल रहा है। हाँ। लेकिन मुझे लेके कोई रिस्क नहीं उठाना चाहता। कहते तुम पिक्चर में फाइनेंस कर दो तो तुम्हें हीरो बना देंगे और दादाजी तो पैसे देंगे। अरे दादाजी को छोड़, सुन, डीसीटी स्कीम में 30 लगाए, 90 वापस। मैं तो लंबा हाथ मारने चला था लेकिन मेरी पत्नी लीला गहने गिरवी रखने नहीं देती। माँ की आंख। अरे देखो क्या पोस्ट आया है, 8 फीट के बढ़ाए हुए नाखून एक आदमी ने 8 करोड़ में बेचे। 8 करोड़? बाप रे। तुम्हारे पास भी कोई ऐसी चीज हो जो गिरवी रख देते तो तुम भी 3 गुना पाते। हो भी सकती है। क्या? लेकिन मुझे उसके लिए दादाजी के पास जाना पड़ेगा। दादाजी? लेकिन किस मुंह से जाऊं? इसी मुंह से चला जा। काश राम मेरी भी लंबी मूछें होती। अरे मूछों की क्या बात, मेकअप रूम में आया है, मूछें ये देख 1, 2, 3 यहाँ 10, 10, 12, 12 मूछें, जो मर्जी हो वो लगा ले। किशन रेडी है? हाँ रेडी रेडी। चलो ठीक ठीक चलो चलो चलो, बाकी जो है वो टचअप अच्छा, कर देंगे सेट पे। चलो। ये गहने असली है क्या? नहीं, ये तो नकली। ये तो बिल्कुल असली की तरह लगते हैं। असली है। असली है। स्पाइडर दादा। अरे जाएगा कहाँ, पकड़। तवे पे तल के सुरमई चकता है, स्पाइडर दादा के हाथ से कोई नहीं बच सकता है। स्पाइडर दादा मुझे माफ कर दो। अरे तेरे को कितने बार समझाने का रे? अरे सुखा बॉम्बिल, 2 रुपए टंगता है, स्पाइडर दादा का पेमेंट टाइम पे मांगता है। स्पाइडर दादा मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ए इसको ले जाओ और मुंह तोड़ फाइनेंस लेके आओ, जाओ। नहीं 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 सुन करा। हाँ दादा। हाँ राम बाला, तू इतने कैसे आला?
ये मुंह तोड़ फाइनेंस क्या है? क्या है, कोई हमको पेमेंट नहीं देता है, उसका मुंह तोड़ के हम फाइनेंस लेते हैं। अरे तू क्यों डरता है, तू तो अपना दोस्त है। ये अपना दोस्त है, अपने कोलीवाड़े में डांस प्रोग्राम होता है ना, उसका फैंसी ड्रेस ये लाता है। आज क्या देने आया है? देने नहीं, पैसे लेने आया हूँ, सोना लेके आया हूँ। ए बाबू। हो दादा। है क्या? ए, ये सोना सच्चा है ना? दोस्त पे अपने को भरोसा है, मैं चटनी, ये पंजाबी समोसा है। मैं तेरी इसी शेर पे पीता हूँ। तेराम तेराम, और भी बाहर आ रहे हैं क्या? शेर शेर, आने दे आने दे आने दे। ये गो ये मैना पिंजड़ा बनाया सोने आगे, आगे, का आगे 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 पिंजड़ा बनाया सोने का, आगे आगे पिंजड़ा बनाया सोने का, उसमें जाके सोने का। वाह 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 वाह। ये कौन है? वही आदमी है। अरे इतना मुंह नहीं तोड़ने का, आदमी पहचानने को तो आना चाहिए। उधर किससे लेने का, ब्याज किससे लेने का? चल चल बाबू। दादा पैसे। राम, ये लो पैसा, और बैड टाइम पे देने का, तब तक मैं सोना नहीं बेचूंगा। इतना भी मत, कोई लेगा भी नहीं। क्या मतलब? मैं टाइम पे आपको ब्याज दूंगा। राम, एक बात ध्यान में रखने का, दोस्ती एक तरफ जी, एक तरफ है धंधा। अगर ब्याज टाइम पे नहीं दिया तो मैं हूँ गंदा। ना 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 ना, टाइम पे ब्याज मिलेगा आपको। चला दरिया किनारे एक बंगलो गोरी, जय जो जय। युवराज युवराज युवराज, तुमने मुझे बढ़ा ली, ऐसे में बहुत खुश हूँ। दादाजी आपने मुझे माफ कर दिया है? मुझे देखी और तुम्हें माफ कर दिया? मुझे हमारी आन है, बान है, शान है, जान है, आओ गले लग जाओ मुझसे। अब छोड़ भी दो युवराज। चिपकने तो दीजिए। क्या? दिल से दिल। हाँ, दिल से दिल। अब तो मेरा रिकॉर्ड जरूर तोड़ोगे, जरूर तोड़ोगे। वाह, इतना सारा पैसा, आप मतलब घर की कोई बड़ी चीज बेच के आए हो तुम? चीज तो बड़ी थी, ऐसी घर पे पड़ी थी। अच्छा सुनो, तुम्हें राम ने डीसीटी स्कीम के बारे में बताया ना? हाँ। वो डीसीटी स्कीम में ये सारा पैसा लगाओगे ना तो तीन गुना हो जाएगा। और ये पैसा जब तीन गुना हो जाएगा ना तो तुम्हारे घर वाले तुम पर फक्र करेंगे, फक्र। हो गए? अरे प्यार व्यार में तो नहीं बड़ा ना? नहीं नहीं नहीं। अरे ऐसे क्यों शर्मा रहे हो, जवानी के दिन है भाई, तुम्हारे दिन ही है प्यार में पड़ने के। देखो प्यार में अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दो। वो अन्नू आरजे, आरजे अन्नू, वो रेडियो पे लव के प्रोग्राम देती है। हाँ। वो यहाँ सातवें माले पे ही रहती है, तुम बोलो तो उसके साथ मीटिंग फिक्स कर लो। मगर सातवें माले पे तो अन्नू और मनु दो जुड़वा बहने रहती है। कौन मनु? मनु नहीं, अनु ही रहती है। अनु यानी आरजे अनुष्का। ओ, इसका मतलब वो मुझे नचा रही थी। बोल बच्चन फिल्म में अभिषेक बच्चन ने डबल रोल क्या खूब निभाया है। आज इसी बात पर हम अपने रेगुलर कॉलर युवराज जी से बात करते हैं। मैं आपसे आखिरी बार बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं प्यार में नाकाम रहा। मैं मन्नू को ये नहीं कह सकता कि मैं उससे प्यार नहीं करता, और अन्नू को भी ये नहीं कह सकता कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसकी बहन से नहीं। इस दुविधा को मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटाने जा रहा हूँ। एक सेकंड युवराज, तुम क्या करने जा रहे हो? इस झूठी बेवफा मतलबी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ।
आप लोग ही गाना सुनिए। अनुषा तुम प्रोग्राम छोड़ के कहाँ जा रही हो? अगर मैं प्रोग्राम छोड़कर नहीं गई तो वो दुनिया छोड़कर चला जाएगा। नाकाम नहीं हुए, प्यार में मैं नाकाम हुई हूं। युवराज अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? मैं ही तुम्हारी अनु, मैं ही मनु और मैं ही अनुषा हूं। आई लव यू युवराज, आई लव यू। तुम्हारे प्यार में इतनी ताकत है कि मैं मर के भी जिंदा हो गया। You cheat? Show me.
इश्क ये इश्क इश्क कैसा लवली लवली है लवली लवली ये लवली लव के जैसा इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क कैसा लवली लवली है लवली लवली ये लवली लव के जैसा इश्क इश्क ये इश्क इश्क ये इश्क इश्क कैसा लवली लवली है लवली लवली ये लवली लव के जैसा डीसीटी हाय हाय डीसीटी यानी ड्रीम्स कम ट्रू, लोगों के सपनों को सच करने का वादा झूठा साबित। कंपनी के मालिक और अन्य अधिकारी फरार, जगह जगह पर जनता ने डीसीटी के ऑफिस का घेराव किया। पुलिस के आला अधिकारियों ने जनता को आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द मुजरिमों को हिरासत में ले लेगी। एक मिनट कॉल। हेलो, व्हाट इज इट? तुम्हें डीसीटी मालूम है? हाँ मालूम है। तो जिन लोगों ने डीसीटी स्कीम में पैसे लगाए थे वो सब लूट गए, बर्बाद हो गए। आप लोग प्लीज मेरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए। आज के मुख्य समाचार। सारे शहर में कोहराम मचा है। पुलिस के अनुसार डीसीटी स्कीम फर्जी साबित हुई और सारे निवेशक लुट गए। कई जगह प्रदर्शन भी हो रहा है। प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, प्लीज प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए प्लीज। देखिए देखिए आप लोग, देखिए मेरा अनुरोध है आप लोग शांति बनाए रखिए। देखिए देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए, निकालो बाहर। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, पहले हमारे पैसे खाए उसने, पहले मेरी बात सुनिए। मेरी बात सुनिए, बाहर निकालो। ये भाई मारना नहीं, मारना ठीक है यार, मारना नहीं। तूने तूने मेरे को नकली सोना दिया? अरे नकली दिया है सोना, तूने मेरे को लगाया चूना? नहीं नहीं, तू तो मेरा यार है। यार इसको पीछे से भी मार, आगे से भी मार। बस कर यार, बस कर। अरे तूने मुझे नकली देने दिए थे, मैं क्या तेरे को चू चुरमुरे दिए थे? पैसे दिए थे ना? देखो हफ्ते के बाद करूंगा नहीं वेट, काट डालूंगा समझ के पापलेट। इन डीसीटी वालों को बद्दुआ लगे मेरी, जिन्होंने मुझे लूटा है वो दाने दाने को मोहताज रहे। इनकी माँ का नाका सालों ने हमें तो लूट लिया। देखा ना तुमने, दुनिया झुकती है सिर्फ झुकाने वाला चाहिए। यस। इतना खाला खलर लगाई फिर भी किसी को समझ नहीं आई। मेरा मतलब है किसी को समझ नहीं आया कि दाल में कुछ काला है। यहाँ पर तो पूरी दाल ही काली थी। अब जाकर जल्दी से गंगा में डुबकी लगा लो, सारे पाप तुम्हारे धुल जाएंगे। मुझे तो लोगों की ये फितरत ही समझ में नहीं आती, इतने पाप करते हैं फिर कहते हैं गंगा में डुबकी लगा लो, जैसे गंगा कोई वॉशिंग पाउडर हो। देखो तुम्हें दोबारा यहाँ पे कोई देखे ना। हाँ? दरवाजे के बाहर जब कदम रखोगी ना, अपना बायां कदम पहले बार रखना। क्यों? अरे भाई सारे अशुभ काम हम शुभ मुहूर्त से ही तो करते हैं। Cheers. आपकी वजह से मेरा पैसा डूबा, अब आप पता है मेरी बीबी मुझे मार डालेगी। सोचा ही कभी? मैं क्या कर रहा हूँ? तुमने फोन करके बोला था एक लगाओ तीन मिलेगा। आप लोग उल्लू के पट्टे हो। हाँ है, क्योंकि ऐसी स्कीम में पैसे डूबते ही हैं। मुझे लगता है इंस्पेक्टर साहब उस औरत से हसमुख मिले हुए हैं। है। कुछ भी क्या बोल रहा है? कुछ भी क्या? मैंने कहा कब कब? अरे अरे तुमने उसका टैटू देखा? हमको पैसे चाहिए थे इसलिए बोला मैं। ओ शट अप। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, हम तो लुट गए लेकिन बाकी हमें कुछ पता नहीं। नहीं नहीं, हे हीरो, इतनी झाग निकालूंगा, इतनी झाग निकालूंगा कि ढूंढते रह जाओगे। हैं? लेकिन कुछ भी हो, जिसने भी तुम लोगों की बजाई है बड़ी सही और ठोक ठाक के बजाई है। अब बजाते रहो।
कंपटीशन से एक हीरो कम हो गया। काली के चक्कर में पूरा मुंह काला हो गया। हाय 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 हाय, 4-5 दिन से मिले नहीं, क्या बात है? लगता है कोई नई फिल्म मिल गई है तुम्हें। ऐसा ही समझ लो। क्या नाम है फिल्म का? हमें तो लूट लिया। अच्छा, 5 तारीख को गोल्डन क्लब आ जाना। क्या है, सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ओके बाय बाय। ए अनलकी, तूने हमारा इंश्योरेंस निकाला था ना, हैं? तो इंश्योरेंस के पैसे मिल सकते हैं कि नहीं, या बता? भाई एक्सीडेंट होता है तो मिलता है, कुदरत का कहर समझते हो? जब होगा तो समझना मिलेगा। कुदरत का कहर ही बरपा है, सब कुछ बदनसीबी की बाढ़ में चला गया। बदनसीबी के नाम पे कोई पैसा नहीं देता बाबू। अच्छा, इंश्योरेंस बेचने के टाइम पे तो नहीं बताया था? अरे ऐसे लुटे हैं कि जिंदगी के साथ भी बर्बाद और जिंदगी के बाद भी बर्बाद। अरे तो हम भी टी टाइम। अरे ये परी जैसी बच्ची का नाम क्या है? मेरा नाम ही तो परी है। तुम किस कक्षा में पढ़ती हो बेटा? मैं 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, मुझे पोयम आती है और मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। मैं भी ऐसे लिख सकता हूँ। वो ऐसे की बात कर रही है, पता है? अच्छा, ऐसे तुम कभी स्कूल गए हो? हाँ गए ना स्कूल, मैंने माय फ्रेंड पर ऐसे भी याद किया था, लेकिन एग्जाम में फादर के नाम पे आया। तो आपने क्या किया? मैंने क्या किया, फ्रेंड की जगह फादर लिख दिया। आई हैव सो मेनी फादर्स बट घनश्याम इज माय बेस्ट फादर, फादर इन नीड इज फादर इंडीड। मामा आपके फ्रेंड्स कितने अच्छे है, इन्हें मेरे बर्थडे पे जरूर बुलाना। तुम इनवाइट कर दो, बुलाओ सबको। आप सब मेरे बर्थडे पे आओगे ना? हाँ हाँ जरूर, प्रॉमिस करेंगे। आएंगे। चलो परी बेटा, आपके स्कूल का टाइम हो गया है, सबको बाय बोल दो। बाय बाय बाय। कितनी प्यारी बच्ची है ना, सचमुच परी जैसी ही है। इसको क्या हुआ? तुम लोग को अपने बर्थडे पे बुला तो रही है, लेकिन उसको खुद नहीं मालूम है कि वो अपने बर्थडे पे जिंदा रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब उसके दिल में छेद है। क्या? डॉक्टर ने कहा है काफी पैसे लगेंगे उसको बचाने के लिए, लाखों रुपए। उसकी माँ इधर उधर काम करके 2 वक्त के रोटी का जुगाड़ तो कर लेती है, लेकिन कहाँ से लाएंगे? अब ये DCT ने भी हम लोगों को धोखा दे दिया। परी को कुछ नहीं होगा, उसका ऑपरेशन जरूर होगा। लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? हम लाएंगे हमारे पैसे वापस। अरे कहाँ से लाएंगे, जो थे वो तो चले गए, पता नहीं सौरभ के पीछे कौन है। ये अंधेरे में तीर छोड़ने से कोई फायदा नहीं है। अंधेरे में रास्ता दिखाने वाला सिर्फ ईश्वर है। अरे कुछ नहीं होता ईश्वर, 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 क्या होता है ईश्वर? ओह माय गॉड, मुझे उस ईश्वर के पास नहीं जाना है, मुझे MG रोड गांधी वाले ईश्वर के पास जाना है, यू अंडरस्टैंड? वो मेरे टैक्सी में जो औरत बैठी थी ना, मंडेला वंडेला बोल के, वो मुझे बोल रही थी कि महात्मा गांधी मार्ग पर किसी ईश्वर से मिलना है। ईश्वर ईश्वर बोल रही थी, कहीं वही ईश्वर तो हमारे पैसे नहीं लिया। राम भाई आपको क्या लगता है? तो वो एरिया में रहने वाले हर ईश्वर का नंबर निकालेंगे, फिर ईश्वर हमसे बच नहीं सकता। अब तो पहाड़ा ही पढ़ते रहोगे कि बताओगे कितने टोटल ईश्वर? 30, 31, 32, 33। बस 33 ईश्वर। अच्छा 33 ही है, शुक्र करो 33 करोड़ नहीं है, नहीं तो फोन लगाते लगाते बर्बाद हो जाते। बर्बादी की बात कौन कर रहा है, अगर फोन लगाना दूर तुम्हारा तो खाली फोटो दिखा दो, लोग बर्बाद हो जाएंगे। अरे ये लो फोन लगा, फोन लगा, पहले बात होने दो, सीरियस काम चल रहा है ना। हाँ सो होने दो। हेलो मंडेला है और ईश्वर डियर। ईश्वर इस दुनिया में नहीं रहे, वो भगवान को प्यारे हो गए। क्या हुआ? अरे पिछवाड़ा क्यों रहा? अरे ये क्या हुआ? मर गया। क्या हुआ? कौन? ये उल्टा क्यों हो रहा है? अभी तो बहुत ईश्वर बाकी हैं। अरे हाँ। दूसरा लगा। यू ये ऐसे करेगा? वो जो मर गया बोलेंगे तो फटेगी ना। लो बात करो। हेलो मंडेला है और ईश्वर डियर। वो तो पान खाने बाहर गए हैं, आप कौन? क्या हुआ? अमिताभ बच्चन को लग गया था, रखो लॉन्ग नंबर है, अगला लगा लो। दूसरा लगा ना, अभी आखिरी ईश्वर बचा है। तू पनौती है, तू छोड़, तू लगा भाई। हाँ चल मैं लगाता हूँ, ले फोन ले। आखिरी ईश्वर बचा है अभी। मुझे अच्छा नंबर बता, एक मिनट बोल मत।
क्या नंबर अरे मेरा सिक्स सेंस है, लगेगा देख। पक्का ना? हेलो हेलो मंडेला है और ईश्वर डियर। लैला तुम्हें मैंने कहा था ना यहाँ पे फोन नहीं करने के लिए। अरे ये बंदर की तरह क्यों कूद रहा है यार बूढ़ा? हाँ यार। लैला ये क्या मजाक हो रहा है? ऐसी आवाज में क्यों बात कर रही हो तुम मुझसे? टीसी जी के बारे में एक बात करनी थी जानू। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लैला मुझसे ऐसी बातें फोन पे मत किया करो। ठीक है कल से नहीं करूंगी, एक बार तुमसे मिलना है प्लीज प्लीज प्लीज। परसों मेरी बेटी का जन्मदिन है, इसी खुशी में मैंने एक पार्टी रखी है गोल्डन क्लब में, वहीं मिलेंगे। क्या हुआ? गोल्डन क्लब में पार्टी है डार्लिंग, बेटी का बर्थडे है। बड़ी पार्टी लगती है यार। हाँ जरूर हमारा पैसा लगा होगा इसमें। अरे हमारा तो सपना पूरा हो गया इतनी बड़ी पार्टी में आने का भाई। एक्चुअली मेरा सिक्स सेंस यही बोल रहा था कि ऐसी पार्टी में हम लोग जरूर आए। चिकन वेरी वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों आज की शाम मैं शहर के जाने माने रईस ईश्वर अग्रवाल जी को अब सादर से सम्मान यहां पर बुलाने जा रहा हूं। तो ईश्वर है? अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे बचपन से जानता हूँ। हाँ हाँ अरे इसकी कुंडली निकाली है मैंने, ये सारे शुभ और अशुभ काम मुझे पूछ कर ही करता है। अच्छा इसका मतलब हमें लुटवानी सलाह तुमने दी थी इसको? हाँ, हाँ। मुझे क्या पता था कि ये हमारी ही पुंगी बजा के जाएगा। थैंक यू। दोस्तों आज मेरी बेटी अनुषा के जन्मदिन पर आप लोगों ने यहां आकर इस लम्हे को और भी खूबसूरत बना दिया है, मैं आप सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मेरी बेटी पापा हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ये अनुषा इसकी बेटी है ईश्वर की? अच्छा उस दिन इसलिए मुझे सरप्राइज देने के लिए यहीं पे बुला रही थी। बाप बेटी मिलकर हम सबकी क्या बजाई है बॉस। ए अनुषा मुझे धोखा नहीं दे सकती। अरे सबकी क्या दे रही है बे। फ्रेंड्स एंजॉय द पार्टी। ए तू कहाँ जा रहा है? उससे कुछ पूछ के आता हूँ। तू तो कहाँ? लड़ाई अपनी पोल पट्टी खुलवाएगा, मास्क लगाए रखो समझे? युवराज क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है। दर्द सिर्फ तुम्हें ही नहीं होता है मुझे भी होता है। मैंने क्या किया है? तुमने आज तक मुझसे ये क्यों छुपाया कि ईश्वर अग्रवाल तुम्हारा बाप है? कुछ कहने से पहले मेरी बात सुनोगे? टाइम वेस्ट मत कर,
इनमें सबसे महंगी शराब कौन सी है वो पेश कर। यस यस नजर ना लगी। सब जय जय सब जय सब। मेरे फादर की सोच और तौर तरीके गलत हैं, इसलिए मैं उनसे अलग रहती थी। तो तुम्हें नहीं पता वो क्या करते हैं? मुझे कुछ नहीं पता है, इनफैक्ट उनके बिजनेस से मेरा कोई वास्ता नहीं है। भाई शरबत है आपके पास? शरबत? शरबत नहीं, दारू नहीं पीता। अब मैं ईश्वर की माँ बहन करके आता हूँ। ईश्वर खुश तो बहुत हो गए तुम, सबकी पुंगी बजाकर पार्टी मना रहे हो, मजे ले रहे हो। आज तुम्हारी सबके सामने असलियत बताऊंगा, सबके सामने तुम्हारे कपड़े उतारूंगा, फिर करते रहना नंगा डांस, नंगा डांस, नंगा डांस, नंगा डांस, नंगा। तेरी भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब नमस्ते भाई साहब। मुझे लगा कि यही ईश्वर है। चल चल चल। माँ ने पापा से डिवोर्स ले लिया और उसके बाद में माँ के साथ रहने लगी। अच्छा, माँ के मरने के बाद मुझे बहुत अकेलापन महसूस होने लगा और तभी पापा ने मुझसे वादा किया कि वो सारे गलत धंधे छोड़ देंगे और इसीलिए मैं उनके साथ आकर रहने लगी। इनफैक्ट यही सरप्राइज देने के लिए तो मैंने आज तुम्हें बो क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने तुम पे खामखा शक किया। प्यार में सब कुछ करना, लेकिन कभी प्यार करने वाले पर शक मत करना। सॉरी बोला ना। बताओ क्या जमाना आ गया है? बेटी जो है मतलब मालूम ही नहीं है उसका बाप चीटर है। मतलब चीटर है उसे पता है, लेकिन उसने हमारे साथ चीटिंग की, ये नहीं उसे पता। अब मुझे पता मतलब... है, मुझे पता है, उसकी कुंडली मैंने ही बनाई है ना। उसकी कुंडली में हर्षल है। हर्षल? ये हर्षल क्या होता है? ये शनि का बाप होता है हर्षल। हाँ, ये हर्षल जिसकी कुंडली में होता है वो लोगों को लूट लूट कर पैसा जमा करता है। और हर्षल का और भी एक गुण है, वो अपनी औलाद को जी जान से प्यार करता है। तो प्लान तैयार है। क्या बात कर रहे हो? अरे लवली यार, मैं तो मान गया। अरे क्या, यार, क्या ऐसे 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 कर रहे हो? तुम लोग पैसा कमा लोगे, तुम लोग का प्लान तैयार है, मेरी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। ईश्वर तो जान जाएगा ना कि मैं मतलब तो मेरे पीछे पुल। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। पक्का? हाँ, तो क्या नाम बताया तुमने? परमिंदर खुराना उर्फ पीके जी। ओके ना जी, पीके। ओके ओके। अरे ओम प्रकाश खुराना मेरी मौसी की लड़की का नाम साहब जी, मैं ते परमिंदर खुराना पीके। देखो जी साहब, मुझे सेफ ड्राइविंग पसंद है, ये डेंजरस ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं। लेफ्ट से लेना या राइट से लेना बिल्कुल नहीं। ओ जी तुसी टेंशन लो ही ना जी, मैं छोटे मोटे एक्सीडेंट से कारदा ही नहीं साहब जी। मैं ते प्राजी ने कहा कि करे तो फिर बड़ा ही करे एक्सीडेंट सर जी। क्या? ना जी सर जी, आप तो सेफ्टी से बैठे रहना क्योंकि आपका ड्राइवर है पीके। तुम पीके गाड़ी चलाओगे? ना जी, नाम है मेरा साडा पीके। ओके ओके नहीं सर जी, पीके। अरे भाई एक बात बताओ, तुम तनख्वाह कितनी लोगे? जो तुसी दे दो जी। 10,000 दूंगा। ओके ओके नहीं जी, पीके। ओके ओके नहीं, पीके सर जी। आपको समझा समझा के ना मेरा गला सूख गया, मैं पानी पी जाऊं। परमिंदर क्या हो, पानी पी गया हो? पीके पीके आना, पीके। ओके। अरे ओके नहीं, पीके। ओके जी ना, पीके जी। ये ड्राइवर हुआ तो मुझे हार्ट अटैक हो ही जाएगा। क्या राइट लेफ्ट लगा के रखा है? 8 घंटे हो गए लेकिन तुम्हारे ट्रेन का फार्म हाउस अभी तक नहीं है। मैं फोन करके पूछ लेता लेकिन नेटवर्क फेल आ रहा है, रेंज नहीं मिल रहा है। मेरा भी नहीं मिल रहा है, नहीं तो क्या मैं अपने पापा को फोन नहीं कर लेती? पाँव क्यों ले रहा है? ये मेरा पाँव है। चुभ रहा है यार। अरे ये मेरा पाँव है। छोड़ा पाँव, छोड़। तीन तीन खाए तूने? मैंने 2 ही खाए पाँव। भाई 11 बजे युवराज ने बोला था ईश्वर को फोन लगाने को, मैंने लगा दिया। अरे मैं क्या बात करूँ, मैं क्या बात करूँ? तू बात कर। क्या हेलो? हेलो कौन बोल रहा है? मैं हम बोल रहे हैं। हम यानी हम
अरे कोई नाम तो होगा तुम्हारा, इतनी रात में फोन करके नींद क्यों हराम कर रहे हो मेरी? गुड नाइट, गुड नाइट। गफर, मेरे पांव क्यों ले रहा है यार? मेरे से नहीं होगा यार। अरे तेरे से नहीं होगा, मैं लगा लूंगा। अब कौन है? हेलो हेलो हेलो। हाँ सुन, मैं कच्चा बनियान गैंग से नाड़ा भाई बोल रहा हूँ। तो मैंने तेरी बेटी को किडनैप किया है। क्या? टाइम पे पैसे नहीं दिए तो क्या करोगे? क्या करूंगा? ये पाव मत काटो, मैं काटूंगा बराबर, दोनों टुकड़े होने चाहिए। नहीं, जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। हाथ पाव मत काटना, प्लीज प्लीज। हाँ, टाइम पे पैसे देना, नहीं तो पाँव काट दूंगा। नहीं नहीं नहीं, कितने चाहिए तुम्हें? पाँच 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 रुपए। तेरी 5 रुपये में का घंटा आएगा? 5 लाख। ये सुन। हाँ बोलो तो। 5 करोड़ चाहिए, 5 करोड़। 5 करोड़? पैसे नहीं दिए तो पाँव काट डालूंगा, समझे? सुन, 10 बजे तक पैसे तैयार रखना और पुलिस को बताने की जरूरत मत करना, वरना। नहीं 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 नहीं, मैं पुलिस को नहीं बताऊंगा। एक बार मेरी बेटी से बात करने दो मुझे। लड़की से बात करना चाहता है, बेटी कहाँ से लाएगा? से लाएगा बेटी? ला इधर दे। तू बेटी की आवाज में बोलेगा? हाँ। सुन, ले अपनी बेटी से बात कर बेटा। अरे बेटी क्या बोलेगी? रो ना, रो। पापा पापा। बेटी बेटी बेटी, तू कैसी हो बेटी? मैं ठीक नहीं हूँ, इन्होंने मेरे हाथ पैर बांध दिए हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं, जान मार सकते हैं, काट सकते हैं। पैसे भेज दो पापा। दे दूंगा, जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, तुम फिक्र मत करना। बोले भेज देंगे। बस। कल 10 बजे पैसे तैयार रखना, मैं बताऊंगा कहाँ मिलना है। और बाकी जो बोला था वो समझ गए हो ना? ठीक है ठीक है, ओके। सामने मंदिर नजर आ रहा है, वहीं पे चलते। क्या? मुझे तो सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। भाई साहब। जी बाबू जी। मैं मेरे दोस्त का फार्म हाउस ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल नहीं रहा है। यहाँ तो दूर दूर तक कहीं फार्म हाउस नहीं है। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आ गए? अब आए हैं तो रुक जाइए, क्योंकि यहाँ जंगली जानवर बहुत हैं। आज शुभ दिन है, हमारे नागोटी महाराज की आरती चल रही है, आप आइए। इंतजाम कर लिया मैंने, फिरौती की पूरी रकम लेके आ रहा हूँ, लेकिन देखना मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, समझे? कुड़ी किडनैप हो गई है साड़ी? क्यों यार? किसी को बताना मत। ना ना, मैं क्यों बताऊंगा? पुलिस में इन्फॉर्म किता? पुलिस को? हाँ? नहीं करूं। नहीं 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 ना, बड़े खतरनाक होते हैं किडनैपर ना। खतरनाक? सही कहा तूने, खतरनाक होते हैं। मैं गन लेके। अरे सर जी, गन बारूद के चक्कर में कहाँ पड़ लो, मतलब साड़ी कुड़ी है, चुपचाप ले आएंगे समेट के। अरे नहीं नहीं, तूने कहा ना खतरनाक होते हैं, अपनी हिफाजत के लिए मुझे गन लेनी पड़ेगी, लेके आता हूँ। अरे यार मती मारी गई थी मेरी, मैंने क्यों कह दिया? मैं अनु बोल रही हूँ, मैं जहाँ पिकनिक स्पॉट पे गई थी ना, वहाँ पे रेंज नहीं था, इसलिए फोन नहीं कर पाई। अभी मिला तो आपको फोन किया। और आप मेरी फिक्र मत करना। पापा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूँ मैं? और एक सेकंड, ये आपकी आवाज को क्या हुआ? ओ कुछ नहीं, तू पिकनिक मनाने गई है ना, बस पिकनिक में ही एंजॉय कर ठीक है? कोई जल्दी नहीं है घर आने की। हाँ, सैटरडे संडे मंडे कमाल है। क्या हुआ? मैंने पापा को फोन किया, मुझे लगा वो मेरी फिक्र कर रहे होंगे, लेकिन तुम्हें पता है उन्होंने मुझे क्या बोला? क्या? कल आना, परसों आना, मंडे फ्राइडे सैटरडे कभी भी आना। अमीन, अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारे पापा ब्रॉड माइंडेड है। नहीं, इसका मतलब कुछ तो जरूर गड़बड़ है।
किसका फोन था? अनु अनु काट लिया? नहीं नहीं अनु नहीं, अनुमान लगाओ। अनुमान? अरे किसका फोन था? ओ जी लोन वालों का फोन था। ओ कह रहे थे वन बेडरूम किचन ले लो, मैंने कहा इतना बड़ा घर नहीं समझ ला वन बेडरूम क्या। ओके ओके ना जी पीके। हाँ पीके ओके ओके चल ना चलू सली चलना 5 करोड़ है सर जी। यही कहा था आने के लिए? यहाँ कहा था तो आएंगे ही। बड़े चुनिंदा टाइप हैं। हेलो पैसे पूरे लाए हो ना? हाँ लाया हूँ। अपने ड्राइवर को भेज दे। ठीक है। ड्राइवर लेके आ रहा है। चल जा पैसे ले जा। ओ जी पैसा आपका आप ही दो जाके। तू जाकर देना मेरे पास गन है, फिकर मत कर। फिर तो जाना ही पड़ेगा। जा। हाँ साइकिल पे क्यों आ गए? मैंने बोला था कि पैदल चलते हैं, लेकिन नहीं तो मैं तो जाऊंगा ही। छोटी सी बात थी इतनी दूर। ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है? देखो कैसा मटकता जा रहा है। भाग रहा है। वो अनु का क्या हुआ? अनु वो जी वो घर पे आएगी बोल रहे हैं। अरे ओके चल चल पीछा कर। ओके नहीं पी के पीछा कर बोलो। तेरी पीके चल पीछा कर। क्यों? हमारे पास गाड़ी है उनके पास साइकिल है चलना। आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो एक दिन उनके पास गाड़ी होगी आपके पास साइकिल होगी। चलो जी मैंने तो 1 रुपया एक्स्ट्रा रख दिए थे 5 करोड़। चल, 1 रुपया चला चला ना। कहाँ चलाऊं? अरे सीधा लेना। सर जी अब अपना दहेज मत देना लड़की को। क्या हमारा पीछा क्यों कर रहा है? कौन आ रहा है हमारा पीछा करते करते? हमें लगता है इसको शक हो गया होगा। ये चलो चलो ये लकी साले ने कुछ ना कुछ तो। जी गे, 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 गेयर फंस रहा है गेयर। तो तेरी गेयर की तो मैं दबा एक्सीलरेटर दबा दबाए बैठा हूँ लटक जाऊँ क्या एक्सीलरेटर पर? जा रहे हैं। सर जी कहीं आपने पुलिस को तो नहीं बुला लिया? अरे पागल हो गया क्या? ओ जी पुलिस तो 15 अगस्त की तैयारी में जुटी है आगे चली गई। तो आगे लेना। सर जी ये मुझसे होता नहीं पीछा करो टाइप फिल्म करना। ले राइट से ले राइट से ले। चला ना अबे वो ओवरटेक कर राइट से। अरे ले 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 लाल शर्ट को पकड़ो। अरे तुमने जाने क्यों दिया? आग में आ गया था वो लाल शर्ट। सर जी गोली ना चलाना खुद तो उतने मर गए बड़ी गड़बड़ शड़बड़ हो जाएगी। अबे गोली चला रहा। अबे गोली चला रहा। सच गोली ना चलाना। मेरा कुला गया। मेरा कुला गया। अभी क्यों अंदर आ गए? सारी गोलियां खत्म हो गोलियां खत्म हो जाती है तो कहाँ जाती है? आगे उसको उसको ओवरटेक कर। ओवरटेक क्या होता है? अबे गाड़ी निकाल आगे।
रोक दी ना। ओ बच गए सर जी। अबे क्या मतलब बचा लिया, नहीं तो आप तो सर पकड़ ही लेते। अबे तू गाड़ी चलाएगा तो सर पकड़ना ही पड़ेगा ना, अब क्या करें? अब तो ये गाड़ी आगे जा ही नहीं सकती। क्या? यस, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। मेरा सिक्स सेंस है, हमेशा सही बोलता है और वही होता है। वैसे ईश्वर हमको पकड़ने वाला था लेकिन भगवान ने बचा लिया यार। आई टेल यू गॉड इज ग्रेट। पैसे तो सेफ जगह रखे है ना? हाँ बिल्कुल सेफ जगह है, और उसमें से ये एक बंडल भी लेके आया हूँ। पार्टी करेंगे। वैसे राम कहाँ रह गया? राम अपना हिस्सा लेके स्पाइडर दादा के पास गया है। ये ले पकड़। अरे राम बाला, इतने पैसे कहाँ से लाया तू? तुझे क्या मतलब है इतने पैसे कौन से लाया तू? मैं अपनी जान दे के पैसे लेके आया हूँ, गिल्ले ब्याज के सहित लाया हूँ। भुर्जी पाव खा ले, मच्छी करी खा ले, और कितना चाहिए बोल पाले। अरे गुस्सा मत कर यार। भाड़ में यार, आगे से मार पीछे से मार, बोलता यार तेरी माँ की आरती उतारी है मैंने, तेरी बहन की डोली उठाई है मैंने, और बोलता है यार मुंह तोड़ फाइनेंस लेता है, दोस्ती का नाम देता है। अरे दोस्ती दोस्ती है, धंधा धंधा है, तू खाएगा क्या? मेरे पास उबला अंडा है। ओ बाबूजी इतने साइलेंस में ना रहो, कुछ तो पी लो, लिटिल लिटिल थोड़ा सा। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए यार। पापा। अरे बेटी आ गई। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है, घर वापस सही सलामत लौट आई। लेकिन मुझे क्या हुआ? अरे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम किडनैप हुई हो, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। पापा मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि जब मैंने आपको फोन किया तो आपने मुझे क्या बोला? घर जल्दी आने की जरूरत नहीं है, कल आना परसों आना। अरे ये मैंने कब कहा तुम्हें? तो मैं भी किडनैप हुई, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा। लो पापा आज डेट क्या? आज वो फर्स्ट अप्रैल। और आप मुझे अप्रैल फूल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अरे लेकिन मैं नहीं बनने वाली हूँ, आई एम गोना टेक अ बाथ। अरे सुनो लेकिन लेकिन क्या लेकिन लेकिन कर रहे हो सर जी? मुझे लग रहा है ना किसी ने आपको 5 करोड़ का चूना लगा दिया है। बाय गॉड, किसने किसको चूना लगाया है ये बहुत जल्द पता चल जाएगा। सर पैसे। कीप द चेंज। जी नहीं, ये नोट दूसरा दीजिए, ये नकली है। ये बर्तन कहाँ धोते हैं? अरे राम बाला, स्पाइडर दादा के साथ पंगा, अब तेरे साथ करूंगा मैं डांसिंग झिंगा। नकली सोना देते हैं, नकली नोट देते हैं, ये देखो। मुझे पता नहीं था वो नकली पैसे, मुझे माफ कर दे। माफ कर दो? नहीं स्पाइडर दादा, देता नहीं दूसरा चांस, अब तेरे साथ करूंगा मैं कोली डांस। मेरा डांस देख रहे हो क्या? मारो खबरदार, जो मेरे पति को हाथ लगाया तो। तमाशे वाली बाई? तमाशे वाली बाई नहीं, तमाशा करने को मैं आई। मैं इसकी बीवी है। ये ले तेरे गहने। तूने मेरे लिए खुद के गहने दे दिए? ओए असली है ना सोना, वरना बाद में पड़ेगा रोना। सोना है असली, अगर मेरे पति को टच भी किया ना तो तोड़ूंगी मैं तेरी हड्डी पसली। चुप। अरे बाहर से आती है और स्पाइडर दादा को शिकायत दिए तेरी तो, तेरी तो मेरे मुंह बोले भाई को खड़ा करूंगी इधर ही, समझा क्या? कौन पांडे? पांडे भी और देश पांडे भी, गुप्ता भी और गुप्ते भी, मैं लीला यादव, मेरा भाई जाधव, मी मुंबई ला जन्मा लाली, हिट पिट नहीं करायची खाली पीली, जय महाराष्ट्र, चांगून ठेवते स्पष्ट। छोड़ो इसको, छोड़ दो बाबा छोड़ दो, ऐसे रामलीला पहली बार देख रहा हूँ। क्या बात कर रहा है, नोट नकली निकले? मैं इस ईश्वर को ना तू देखना दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, तू देखना। फोन रख दो, अभी बताओ कैसे नकली निकालते हैं लोग। सर जी
आप पीके सर जी, आपने पहली बार ना लाइफ में ना नाम बिल्कुल क्रैक लिया है। ओके सर जी, अब आप देखना मैं आपके दुश्मनों को ना ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा। जमीन तो है ही अपने पास, यहीं गाड़ दूंगा। आप रिलैक्स करो, मैं ढूंढूंगा, मैं पक्का ढूंढूंगा। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने खुद ढूंढ लिया है विदाउट माई हेल्प। सर जी पीके, अब तू गोली खा। सर जी 1 2 3 गिन के तुम मारो ना। अच्छा हाँ चल, 1 2 3। तुम्हें पता है कल किसी ने पापा को अप्रैल फूल बनाया, फोन करके बोला कि मुझे किडनैप किया है। लोग भी कैसे कैसे मजाक करते हैं। और ये मजाक तुमने किया है ना, तुमने ऐसा क्यों किया? सुनना चाहती हो क्यों किया? तुम्हारे बाप ने हमें लूटा। समझी कुछ? मैं तो समझ गई, लेकिन शायद तुमने मुझे अभी तक नहीं समझा। मतलब? अगर कोई गलत काम करे तो उसका साथ कभी मत देना, ऐसा मुझे मेरी माँ ने सिखाया। कल को तुम भी कोई गलत काम करोगे मैं तुम्हारा भी साथ नहीं दूंगी, पर अच्छे काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो नेक्स्ट प्लान क्या है? मास्टर है ना, तो चीनी तो देंगे प्रसाद में। ये क्या जगह है, कौन से बाबा के पास लेके आए हो? डैडी बाबा नहीं है, फैंगशुई चाइनीज मास्टर है, ची च्युइंगम मास्टर। तुम्हें मालूम है मैं ऐसे बाबाओं में बिलीव नहीं करता हूँ जो हवा में उड़ते रहते हैं और तुम बिलीव करती हो। आपको कैसे पता कि हवा में रहते हैं? बात बताओ, तुम ये चीनी भाषा कैसे जानती हो? भाषा मैंने इन्हीं से तो सीखी है, यही मेरे गुरु हैं। किसके निमाक किसके कसको रकास का। अच्छा अंतर्यामी जी, एक बात बताइए, आप सच में अंतर्यामी हैं या फिर ये हवा में ही चूचू चाचा चूचू चाचू? ची सच्ची कोची इनके कहने का मतलब है कि पिछले साल चीन से कोचीन गए, कोचीन में ये सचिन से मिले, सचिन को इन्होंने चीनी दी और वही चीनी खाकर सचिन ने 100वीं सेंचुरी मारी। अरे गुरु क्या बात है,
चीनी गुरु का सचिन से नाता है, इसलिए सचिन के नाम में चीन है। अरे ये तो मेरी कुंडली है। हाँ ये गस 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 के लिए ये आंची कांची कुपा इंगा इकुआ इकस गस 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 के लिए याँ 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 गलस कदा बार्स किस के लिए ये बार्स गस कदे बार्स के लिए हो। इनके कहने का मतलब है कि जो आपकी 20-25 जमीन जायदाद है ना, वो जमीन ही आपको मरवाएगी। आप बस अपना सारा बिजनेस बंद कर दीजिए। ये बस कलास के लिए बिजनेस कस के लिए बंद कस कस बंद कर दो। बस किसकी ने याहू डायमंड डायमंड चिकुस की ने डायमंड। क्या कहा? ये कह रहे हैं कि अगर आप तन मन धन की विपदा से बचना चाहते हैं तो अपना सारा बिजनेस बंद कर दीजिए और जो आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो अपनी बेटी के नाम कर दीजिए और आपका जो बिजनेस है उसे डायमंड में कन्वर्ट कीजिए। डायमंड डायमंड चिका 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 चिया चू चिया चू चिया चू फोन फोन फोन। हाँ लकी बोल, क्या हुआ परी को? सिस्टर इसका पल्स चेक करो। जी सर। बीपी भी चेक करो। डॉक्टर साहब आ गए। पूछो, आप पूछो। क्या हुआ? क्या? देखिए कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। वैसे हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर इस बच्ची के हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसको बचाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए कुछ तो करिए, मतलब आप ही कर सकते हैं कुछ। देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। Excuse me. Yes, ma'am. मेरी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट कब की है? देख तू, वही है। मंडेला। जी आपका नेक्स्ट अपॉइंटमेंट 17th जून को है। थैंक यू सो मच। Excuse me. Welcome, ma'am. मंडेला? I am not Mandela. Behave yourself. Suno. Mandela ही थी। क्या हुआ? वो लड़की गई नहीं यहाँ से, वही मंडोला थी। क्या? हाँ मंडोला काली थी मगर ये गोरी है, पर है मंडोला। अगर गोरी होगी तो मंडेला कैसे होगी? वो टैटो टाटो टैटो है ना। लेकिन थी कहाँ वो? यहाँ रिसेप्शन पे। आजा चलो चलो पूछते चलो। मैडम वो अभी अभी जो मैडम गई ना उसका एड्रेस मिल सकता है? पर आप कौन? मैं हसमुख। एक मिनट मैं बात करूँ। हाँ जी। हम लोग गिलबर्ट इंश्योरेंस कंपनी से हैं, तो हमने उनका इंश्योरेंस किया था लेकिन एड्रेस लेना भूल गए थे, तो प्लीज निकाल दीजिए आप। निकालिए प्लीज प्लीज प्लीज। ओके सर। होता है ये सब, तुम नोट करो।
तुम्हारा अंदाजा सही निकला। क्या? वो गोरी औरत ही मंडेला है। है? देखो देखो अरे हाँ, यही 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 मंडेला है। यही तेरी दुकान पे आई हाँ, थी? मेरे दुकान पे यही आई थी। Ah, looking beautiful. Mwah. Coming. Please wait. Oh my God. Hi, कौन है? कौन है आप लोग? You are Miss Mandela? No. I am Thursdela. I am Fridela. New release in India. यहाँ क्या करने आए हैं? Do you have passport here? No. Visa? No. Working permit? No. Then what she is doing here? Put it there. लेकिन आपको क्यों चाहिए वो? We have enough witness. This is a scheme and this is simple money. We have little sources. We want a little more. More. And we will put you behind the bar. Arrest him. Excuse me. I am not Mandela. Then who are you? I am Leila. Don't worry, I'll make you Mandela. Yeah. Huh? Kala jadu. Sir, dariye mat. Main hu Leila. Huh? अरे तुमने ये चेहरा काला पीला नीला ये क्या कर रखा है तुमने लैला? ये मैंने नहीं किया है सर, नाइजीरिया से काले डिटेक्टिव आए थे उन्होंने किया है। सर, उन्हें हमारे काले कारनामों के बारे में पता चल गया है, वो हमें कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। काला संकट आ ही गया। हाँ। ये जमीन हमारी लकी नहीं है। हाँ। हमें ये देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। हाँ। लेकिन सारी प्रॉपर्टी का क्या करेंगे सर? ये प्रॉपर्टी? हाँ। अरे बेच देंगे, हीरे खरीद लेंगे। वैसे भी हीरे मेरे लिए बहुत लकी होते हैं। हाँ, 7 दिन में हम फिजी चले जाएंगे। हाँ। तुम जाकर तैयारी करो। ओके सर, ओके। बोल लैला, मेरे आइटम का फोन आईला। बोल। सॉरी, बहुत इंतजार करना पड़ा। हो गया तुम्हारा? मेरा तो हो गया। अच्छा, चाइनीज मास्टर का जो हमने ड्रामा किया था उसका तुम्हारे पिताजी पे कुछ इफेक्ट पड़ा? कहाँ पड़ा, मेरे पिताजी पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। प्रॉपर्टी तो मेरे नाम वो नहीं करने वाले हैं, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी को वो डायमंड में जरूर कन्वर्ट कर रहे हैं। काश परी के ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों का इंतजाम हो जाता तो अच्छा होता। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते, अपने दादाजी से पैसे मांग लो ना। दादाजी बहुत भड़के हुए, आज ही सुबह बादल का फोन आया था। बादल? उसने हमारे बारे में कुछ दादाजी को बताया तो नहीं ना? बादल मर जाएगा लेकिन अपना मुंह नहीं खोलेगा। बता युवराज कहाँ है? बच गया, अब याद आएगा। युवराज कहाँ है? याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। दुदला सा याद आया दादाजी, दुदला सा याद आया। अब पूरा याद आ जाए। याद आ गया, पूरा याद आ गया, डिटेल में याद आ गया। सारी प्रॉपर्टीज जो हैं, इनकी सब फाइलें एक साथ? यस सर। वो हीरे मुझे दे दो बेटी। नहीं पापा, ये बुराई की कमाई के। अच्छा, बिल्कुल माँ की तरह बात करना शुरू कर दिया तुमने। बुराई की कमाई, अच्छाई की कमाई, शुभ कर्म अशुभ कर्म, मेरे लिए तो सब कर्म अशुभ शुभ है। मैंने पुलिस को फोन करके सब कुछ बता दिया है और थोड़ी देर में वो आपको गिरफ्तार करने के लिए आती होगी। हटो।
पापा, आप मेरी जान लेंगे? बेटी, बीरबल की कहानी तो तुमने पढ़ी होगी और उसके साथ वो बंदरिया की कहानी भी। हाँ, बंदरिया और उसकी बच्ची एक कुएं में कैद हो गए थे, गिर पड़े थे। कुएं का पानी जब भरना शुरू हुआ तो बंदरिया ने मालूम है क्या किया? अपनी बच्ची को अपने सर पे उठा लिया। फिर क्या हुआ? पानी जैसे भरने लगा, बंदरिया ने अपने बच्चे के सर के ऊपर पांव रख दिया। खड़ी हो गई अपनी जान बचाने के लिए। मैं भी यही करने वाला हूं। जान अपनी बचाऊंगा, अपनी बेटी की जान लूंगा। सुनिए तुम। पापा, आप पुलिस के हाथों बच नहीं सकते। अरे पुलिस तभी तो पकड़ेगी ना जब हमें पहचानेगी। मेरे पास तो कई देशों के पासपोर्ट है। भाई जान, अरे वो तो छोड़, तू पीछा तो कर लोगे ना? अरे आने तो चाहिए, पीछा तो कर लूंगा। मेरा सिक्स सेंस तो कहते हैं कि ये तू अपना सिक्स सेंस थोड़ी देर के लिए ऑफ कर ले, बहुत भारी पड़ता है तेरा सिक्स सेंस। अरे भैया मैं तो सच बता रहा हूँ। ये ईश्वर ही है, अलग उहलिया। अरे अनुषा भी चल 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 चल। तो भाई उसको पकड़ना है, वो जो आगे जा रही है ना गाड़ी। युवराज हीरे मंडला की जेल में है। काली, हाय 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 बाबू देना। अरे दे, तेरे बच्चे जिएंगे। अरे ऊपर वाला तुझसे बहुत मेहरबानी करेगा। दे बाबू, माफ कर दो भाई, मैं आऊं क्या? अरे दे दे बाबू, अरे दे, ऊपर वाला देगा तेरे को। हमारे पैसे लेके भाग रहे हैं। आगे निकाल। सीधा
जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बंद करो तुम्हारी ये मोहब्बत जिंदाबाद का नारा। कहूंगा क्योंकि मोहब्बत जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। वो कुछ दिखाई नहीं रहा। टॉयलेट चले। तुम्हारे तमाम इल्जामात वापस लिए जा सकते हैं। तुम्हारी तमाम नाकामियां नाफरमानियां मुआफ की जा सकती हैं, बशर्ते कि तुम अनारकली हमें सौंप दो ताकि आप उसे सजा मौत दे दे। लला, क्या हुआ? मैं थोड़ा दुख गया तो। जल्दी करो। स्पाइडर आई एम कमिंग। हम तख्तोताज को ठुकरा देंगे लेकिन अनारकली को रुसवा नहीं होने देंगे। गुस्ताख, इतना गुरूर तुम्हें अपनी मोहब्बत पर? अनारकली को दरबार में पेश किया जाए। जो हुकुम शहंशाह, जो हुकुम। छोड़ यू रास्कल, लेडीज को कैसे पकड़ते हैं, तमीज नहीं है? ये क्या हो रहा है यार? ऑन स्टेज एक्टर्स चेंज करते हो? व्हाट्सएप पर भेज दिया करो ना। मुझे क्या मालूम? तुझे कुछ नहीं मालूम। अनारकली तुम चुप क्यों खड़ी हो? डायलॉग डिलीवरी करो, डिलीवरी करो। अरे हो गई डिलीवरी। ये एडिशनल सीन है क्या है? ये कौन है? कौन है ये कहां से आ गई यार? अरे कंटिन्यू, मुझे नहीं मालूम कौन है। कंटिन्यू। अनारकली, ये क्या है अनारकली? ये बच्चा है हुजूर। या खुदा, बच्चा है ना मखूल। जवानी के जोश में तूने ये क्या कर डाला? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो प्यार किया था। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया
अंचली। अबे ये क्या कर रही है, हमारी अंचली कहाँ है? अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली। अबे इसको बाहर निकालो यार, बाहर निकालो इसको। छोड़ जाड़ के अपने सलीम की गली। Show must go on. Continue. अबे डंडा। अनारकली, तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? अब्बा 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 तू कौन है बे? हे, मैं छोटा सलीम हूँ और इसके बच्चे का बाप हूँ। अरे ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है? एक सलीम मौजूद है, ये दूसरा सलीम कहाँ से आ गया? ये इसके कारण आप हो अब्बा हुजूर। मैं? आपने बड़ी जंगे लड़ी, जंग तो एक भी नहीं जीत पाए, लेकिन हार हार के एक एक सलीम हर जगह छोड़ा है। उन सलीमों में से एक, चुप, उन सलीमों में से एक यतीम सलीम मैं हूँ। नहीं अबे ये मेरा मेरा है। सलीम, अपनी अनारकली को बचा लो। सलीम, अपनी अनारकली को बचा लो। मैं अपनी अनारकली को छूने नहीं दूंगा। मारूंगा साले, पिछवाड़े मार मार की गली गिराऊंगा और अपने बीबी बच्चे ले जाऊंगा। मंडला यहाँ अबे रियल तलवार है, मर जाएगा, कत्लेआम हो जाएगा। अनारकली कहाँ से तैयारी हो गई? क्या हो रहा है यार? राज का मैसेज क्या? नाट्य मंदिर, नटराज नाट्य मंदिर बुला रहा। नहीं नहीं, नरेंद्र लिखा है यार। नरेंद्र नाट्य मंदिर, ओके। युवराज मिलने तो दे, फिर मेरी दादागिरी देखना। दादाजी, वो तो युवराज की गर्लफ्रेंड जा रही है। क्या मतलब? आपकी होने वाली बहू उसका पीछा करूंगा। बच्चे की बात मत करना। राम, तुम ये बैठ जाए। तेरी तो, ए चल हट। मेरी बीवी, एक मिनट बहन जी, एक मिनट, आप कौन है भाई? मैं लीला, इसकी बीवी, और ये मेरा पति राम। राम, इसका मतलब यहाँ पर राम लीला होगी। राम चाहे लीला, चाहे लीला चाहे राम, इन दोनों के लाभ में दुनिया का काम। राम, ये तुम्हारा बच्चा है? घर में तो एक चिराग नहीं जला सकते और बाहर जाके इतनी बड़ी बड़ी मशाले जलाते हो? मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? क्या हो रहा है? अनारकली को दीवार में चुनवा दो, खत्म करो ड्रामा। अकबर साहब, अनारकली को दीवार में चुनवा दो। यही आ गया अकबर, आ गया अकबर, अनारकली को दीवार में चुनवा दिया जाए। नहीं बुड्ढे, मैं अनारकली नहीं, मैं वो हूँ। कौन? हाँ, मैं लैला हूँ। लैला? कौन लैला? तेरा मजनू किधर है? मैं लेकर आती हूँ। उमरी जा उमरी जा, मेरे को मजनू बना के, कहाँ चलती कहाँ चलती, मेरे को मजनू बना के। उमरी जा उमरी जा, मेरे को मजनू बना के, कहाँ चलती कहाँ चलती, मेरे को मजनू बना के। पहचाना है? मैं मजनू 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 हूँ। रोको रोको रोको, चहपना, ये क्या हो रहा है? कौन है? अबे मुझे क्या मालूम कौन है, मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ। मैं अकबर हूँ क्या? अबे मैं अकबर हूँ क्या? कंटिन्यू, मुझे क्या मालूम? लैला मजनू की जोड़ी है मशहूर, शादी से पहले बच्चा हुआ, लेकिन इस बच्चे का क्या कसूर? आखिर प्यार तो प्यार है। ये इमोशनल अत्याचार है। ये कैसा बाजार है? इस बच्चे का बाप जब तक नहीं मिल जाता, ये हमारे पास रहेगा नहीं। महादेव,
गांधारी गांधारी, अरे अंधेरी जोगेश्वरी गांधारी, तू मेरी गांधारी है। ए, ये कौन है? मैं धोती रात्र, धोधो रात्र, मेरी ये पत्नी है गांधारी। नहीं, मैं झूठ बोल रहा हूँ महादौलत, ये अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश कर रहा है। मेरा सोवा बच्चा लेके भाग रही थी। मैं समझ गई। ये बच्चा इनमें से किसी का नहीं, सिर्फ इनका है। इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, जितने आदमी थे अभी तक तो 5 थे, अब 6 हो गए। अबे अब गिनती गिनके का फायदा? जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा, ला बच्चा दो। ये बच्चा सो रहा है। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये बच्चा मेरा है। नहीं, चुड़ैल बसंती, इन कुत्तों के सामने मना किया था ना मत नाच। हो जब तक है तो हिलते रहे। अरे आप क्यों नाच रहे हो? अनारकली को दीवार में चुनवा दो। अरे हाँ, अरे हाँ, हम तो अकबर बादशाह हैं। बस अब कोई एंट्री नहीं होगी, अब कोई बिना वजह तशरीफ नहीं लाएगा। अनारकली को दीवार में नहीं चुनवाने देंगे। अभी ये कौन है बीच में? आप कौन है? तुम्हारा बाप हुमायूं, समझने वाला है? मेरा ऐसा मानना है कि प्यार में कोई दीवार नहीं होती। प्यार दो और प्यार लो, और बीच में कोई आया तो चचा आचा गो। महादौलत, महादौलत, यही है मेरा असली दिलदार। मेरा है पर मेरा है। अब ज्यादा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, ये अनारकली है मेरी, ये बच्चा भी है मेरा। अब हम यहाँ से हो रहे 9, 2, 11। आप इससे जा नहीं सकते, आपको मेरी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। एक मिनट, सती होने जा रही हूँ, मुझे कोई नहीं रोकेगा। अरे जा रही तो घर पे बोल दी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है डाकू, ठहरो, ये बच्चा मेरा है। ये तो खुद ही बच्ची है। अबे अब ये कौन आ गया? लक्ष्मी बाई, झांसी वाली? नहीं, न्यू मुंबई वाशी वाली। मैं आम औरत हूँ, झाड़ू फेर फेर के बच्चे को पालूंगी, लेकिन अपने जिगर का लाल किसी और को नहीं दूंगी। माँ की आंख जो करती है वो ठीक करती है। ये कहां से आ गए? मेरे पोते ने भी क्या शादराना बहू ढूंढ निकाली है? बेटी, फैसला जंग जीतने के बाद किया जाता है। अकबर मियां, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपकी तलवार देख सकता हूँ? ये लो बेटी। One minute, please wait for 1 minute. Salim, give me your talwar. Hello. Vashi bhai, ready? बेटी तू जीत गई, ये ले अपनी औलाद। रुक जाओ, इसका फैसला हम करेंगे, क्योंकि हम हैं शहंशाह। फैसला हम करेंगे। बॉस, तुम कौन हो भाई? रिश्ते में तो हम तुम्हारे,
बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। अबे अबे कितने बाप है मेरे? अब मुझे क्या मालूम कितने बाप है। बच्चा किसी का भी हो, 5 साल के अंदर का हो तो उसे पल्स पोलियो पिलाना बहुत जरूरी है, 2 बूंद जिंदगी के, इसलिए वो खुराक भी हम साथ लाए हैं। बच्चा हमें दे दो। नहीं, मेरे जैसा दुनिया में बुरा आदमी नहीं होगा। ए वाई पे खड़े रहना, वाई पे। हाँ एकदम सच कहा पापा आपने, आपसे बुरा आदमी इस दुनिया में हो ही नहीं सकता, जो पैसे के लिए इतना घिरे कि अपनी बेटी की जान लेने चले। इन लोगों से सीखो इंसानियत क्या होती है, इन लोगों से पूछो। मुझे तो ये सोच कर भी शर्म आती है कि मेरी रगों में आपका खून दौड़ रहा है। नौटंकी बंद कर, दौड़ने बोलिए। अरे लैला, मैं स्पाइडर। क्या होगा? अरे हीरे, अरे क्या हो रहा है? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे डायरेक्टर इधर आ, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, अरे छोड़ो, जिंदा से हिलेगा नहीं। इस जगह को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। हाँ समझे? सबकी तलाशी ली जाए, सबकी। बहुत अच्छे। और तुम तीनों चलो जेल की चक्की पीसो, जेल में चलो उसकी हवा खाओ। सब एक शेर मारू? जल्दी से मार। बुराई का साथ दिया, सच्चाई मिसिंग, अब जेल जाके चक्की पीसिंग पीसिंग एंड पीसिंग। चल चल, आपको भी जाना है सीनियर पहले। जैन साजी चलिए। ए अनारकली चाल चाल, मैंने तो कुछ नहीं किया। ए मगरमच्छ के आंसू चाल चाल चल। अगर ये पैसा मिल जाता तो तुझे क्रूज पे ले जाता, मेरा घर बन जाता यार। लेकिन अब उस बच्ची को क्या जवाब दूं जिसके हार्ट में छेद है। दादाजी, जब तक केस चल रहा है तब तक हम बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते बेटा। मुझे तुम लोगों के साथ पहले आना चाहिए था तो शायद प्लान सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। अब तो भाई जो कुछ करेगी माँ की आंख ही करेगी। क्या खाक करेगी माँ की आंख? अभी माँ की आंख को कौन निकालेगा? ये माँ की आंख को कौन निकालेगा भाई? तुम जाओ निकालो। कौन? मैं? धीरे धीरे दादाजी, धीरे। मुझे मिला, ये मिला, ये मिला मुझे। अब होगा परी का इलाज। शुक्रिया खुदा, भगवान, ईश्वर, जो भी है। मेरे बापू का सपना पूरा हो जाएगा, गांव में घर बनाऊंगा मैं, ग्रूस पे जाऊंगा, अनिवन मनाऊ। अब मेरा सपना पूरा होगा, मैं स्टार बनूंगा।
लवली लवली है लवली लवली ये लवली लव के जैसा।